नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीपक सिंह दैनिक समाचार से। कल एक सड़क दुर्घटना में सीबीआई के एक ऑफिसर प्रशांत शर्मा, जो डीआईएसपी के पद पर तैनात थे, उनकी सड़क दुर्घटना में, जीवल में सड़क दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। ये तस्वीर है उनकी, प्रशांत शर्मा जी की। अब सड़क दुर्घटना कैसे हुई है, किसी ने उनको टक्कर मारी है या कुछ हुआ है, उनके परिवार के सदस्य जो है वो मॉर्चरी में पहुंचे, इनकी बॉडी जो है वो मॉर्चरी में हलाई गई है, और यहाँ पर तो जो तस्वीरें हैं वो हैरान करने वाली हैं। और मामला क्या है, कैसे सड़क दुर्घटना हुई, कल शाम को आप जानते हैं कि जब तूफान चल रहा था तो उस दौरान ये घटना हुई है, और घटना के बाद उनको शायद डीएमसी लुधियाना लेकर जाया जा रहा था, गवर्नमेंट मेडिकल में कॉलेज में। उस समय कोई सुविधाएं यहाँ पर नहीं थी, या डॉक्टर नहीं थे, क्या थे, तो उनको यहाँ से आनन फानन में डीएमसी लुधियाना लेकर जाया जा रहा था, उस दौरान उनकी मौत हो गई। डीवाईएसपी के पद पर तैनात प्रशांत शर्मा सीबीआई में थे, और अब मन में कई शंकाएं हैं परिवार के सदस्यों में। इनको ऐसा भी लगता है कि शायद ये सोची समझी रणनीति के तहत किसी ने उनकी हत्या की हो, क्योंकि जो ये बोल रहे हैं डेड बॉडी जो इन्होंने देखी है, उन्होंने कहा कि चोट जो है सर के पिछले हिस्से पर लगी है, और सिर्फ वहीं पर कैसे चोट लग सकती है। अगर बाइक गिरी है, दुर्घटना हुई है, तो फिर उनको बॉडी के और हिस्सों के ऊपर भी लगी होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं है, जिस कारण इनको डाउट है। लेकिन जो जानकारियां हमारे पास हैं उसके मुताबिक सेंट पीटर स्कूल जीवल जो है उसके बिल्कुल सामने वहां पर स्पीड ब्रेकर था, उस स्पीड ब्रेकर के ऊपर से वो बाइक जो है वो गिर गई है, बुलेट बाइक लेकर जा रहे थे। अब जब इंक्वायरी होगी तो पता चलेगा, लेकिन ये परिवार के सदस्य हैं, इनका रो रो के बुरा हाल है। इस पे सर आप कोई बात करेंगे, कोई नहीं बताएंगे, नहीं कोई मतलब कैसे वो घर से निकले, ये सब पता ही नहीं है, कुछ नहीं पता, सब अंडर इन्वेस्टिगेशन है भैया, अभी सारा कुछ नहीं पता अभी। नहीं, घर से कैसे आए, क्या हुआ, कुछ नहीं पता भैया, यहाँ पे कोई नहीं था, उनकी वाइफ बाहर थे, अभी कोटा राजस्थान आ रहे हैं, उसके बाद ही पिक्चर क्लियर होगी, अभी कुछ नहीं। उनकी वाइफ कोटा राजस्थान में है, उनके बच्चे कोटा में ही है, दोनों बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, दीदी उनके साथ ही वहाँ, बच्चे बच्चों के साथ, लड़के हैं लड़कियां हैं, बेटे हैं दोनों, तो वो उधर ही शिफ्ट हो गई थी। अच्छा, तो कल रात को ही हमें जैसे फोन आया कि उनकी यहाँ एक्सीडेंट हुआ है, तो किसी ने उनको देखा तो हॉस्पिटल तक पहुँचाया है। जब हम यहाँ पे आए तो देखा उनको काफी ज्यादा इंजुरी आई थी, हेड इंजुरी हुई थी, अब गॉड नोज कि उनको क्या हुआ, कैसे हुआ। हेड इंजरी, सिर्फ हेड इंजरी है, अगर घटना होती है तो पूरी बॉडी में कोई ऐसा, जैसे कि डॉक्टर्स ने डायग्नोज किया थे, और बॉडी में पूरी कोई भी ऐसी निशान नहीं है, ना ही फ्रैक्चर है कुछ है, सिर्फ ये पसलियां थी, और साथ में हेड इंजरी, स्कल जो इंजरी हुई है, स्कल उसमें डैमेज हुआ है कुछ। अच्छा, तो उसके बाद हम बस लेके जा रहे थे उनको डीएमसी लुधियाना के लिए फॉर बेटर ट्रीटमेंट, बट रास्ते में ही उनके लैप्स हो गए। यहाँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में नहीं इलाज हुआ उनका, यहाँ पे रात को डॉक्टर ही नहीं थे, डॉक्टर थे ही नहीं, डॉक्टर कोई नहीं थे, इंटर्न्स थे, जब मैं आई, उससे पहले का मुझे नहीं पता डॉक्टर थे नहीं थे, जब मैं आई तो तब कोई भी नहीं था इधर, सिर्फ इंटर्न ही थे, और हमने अपने हिसाब से, इंसान सोचता है अपना, जो अपने फैमिली मेंबर के लिए जो बेटर उस टाइम डिसीजन लेना होता है, और हमने क्विक डिसीजन यही लिया कि हम अजय को लेके यहाँ से निकले, लेकिन वो रास्ते में ही, उनके साथ कोई, उनके वो सीबीआई में थे, कोई सीबीआई का ऑफिसर साथ नहीं आया, नहीं उनको, जब उनको पता चला सभी को, तो तब तो वो आ गए, उस टाइम सभी आ गए, लेकिन पहले तो जब काफी ज्यादा उनको ब्लड लॉस हो चुका था, जो हो चुकी थी, ऐसा तो नहीं डाउट है आपको किसी ने मारा उनको, पता नहीं, ये तो सब अब सीसीटीवी कैमरे फुटेज होगी उससे पता चलेगा कि भाई क्या हुआ क्या नहीं, तो फर्दर उनकी इन्वेस्टिगेशन जो डिपार्टमेंटल चलेगी उससे पता चलेगा, लेकिन हमें जैसे अपने घर वाले, हमें नहीं लगता कि उनका एक बाइक से स्पीड ब्रेकर से जंप होके उनका स्कल ही टूट जाए और कहीं उनको फ्रैक्चर ना आए, तो हमें ये लगता है कि इसकी पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। आप उनके क्या लगते हैं रिश्ते में? मेरी सिस्टर इन लॉ लगती हूँ। तो ये तस्वीरें हैरान करने वाले हैं, और सीबीआई के ऑफिसर थे, डीएसपी रैंक पर तैनात थे प्रशांत शर्मा जी, उनकी मौत हो गई सड़क दुर्घटना में। ये कह रहे हैं कि डाउट जिस तरह का है कि एक इतने बड़े पद पर ऑफिसर और एक स्पीड ब्रेकर के ऊपर से बाइक गिर जाए और उस गिरने से उनकी मौत हो जाए, गिर नहीं सकते, ये कह रहे हैं गिर नहीं सकते, हो सकता है इसके पीछे कोई साजिश हो। मॉर्चरी के बाहर इस समय हम मौजूद हैं, और यहाँ से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, और पुलिस के ऑफिसर भी यहाँ पर पहुंचे हैं, और कई सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं कि आखिर कैसे हो सकता है, कल यहाँ पर
ये कह रहे हैं कि कोई यहाँ पर बड़ा डॉक्टर नहीं था, इंटर्न थे, और इसलिए परिवार के सदस्यों ने ये फैसला लिया कि उनको यहाँ से लुधियाना में डीएमसी में लेकर जाएंगे, लेकिन रास्ते में उनकी मौत हो गई है। उनकी पत्नी, जो जानकारी दे रहे हैं, उनके दो बच्चे हैं, पत्नी वो बाहर कोटा में रह रहे थे, राजस्थान में रह रहे थे, और अब उनकी मौत की इन्वेस्टिगेशन कह रहे हैं प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, जांच हो, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया भी रखें और देख रहे हैं दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाजत, नमस्कार।